गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर में रविवार को सिख धर्म का खालसा साधना दिवस बैसाखी पर धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने शिरकत किया। नगर विधायक और पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे को कार्यक्रम के आयोजकों ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। गुरुद्वारे में पंजाब से सिख धर्म के प्रसिद्ध कीर्तन गायक ने विशाल सत्संग किया। बैसाखी पर्व में पूर्व महापौर सत्या पांडे, गुरुद्वारा जटाशंकर के अध्यक्ष जसपाल सिंह, अमृतपाल सिंह, सतपाल सिंह कोहली, चरणप्रीत सिंह, जगनैन सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, मेरी हैसियत बड़ी पा दियो ताकि चारे दे चार इस करके रोनिया की दो पुत्रां नु तुसी वापस क्यों ले आए। ये दो पुत्र भी मेरे केड़े प्यार च कमी रह गई सी, मेरे दुध विच की कमी रह गई सी, जिस करके तुसी मेरे दो पुत्रां नु बचा के ले आए। मेरे दो पुत्र भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों से जुड़ के शहीद हो जाते। अपने आप को मैं सुभागी मां मानती ते सच्चे पातशाह ने जड़ियां आ निशानियां दित्तियां ने लै नसीरा नु सांभ के रखी। लोग कहणगे वे दुनिया में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बड़े यार होए ने, पर एक प्रीत गुरू शाह रखा है। लेकिन आज भी देखने को मिला है, पहले भी था, ज्ञानियों को सबसे ज्यादा अहंकार की उनके अंदर आ जाता है। चाहे वो किसी संत के रूप में भी आए, अगर ईश्वरीय उनके ऊपर कृपा न रहे, क्योंकि तो मैं यही मानती हूँ कि अगर बुद्धि में ईश्वरीय कृपा न रहे, सब ज्ञान अगर के पढ़ते पढ़ने लगे तो उसे अहंकार हो जाता है। तब गुरु नानक देव ने अपने गुरुत्व की गलती को त्याग कर उस गद्दी पर गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित किया। ये है प्यार कि आज कोई कुर्सी के सोता है कि कुर्सी हमें मिल जाए। अगर कोई उस कुर्सी पर बैठा है तो उसे सहयोग देने से अपेक्षा उसे कितना हम नुकसान पहुंचाए, वो अच्छा काम न कर पाए। ये जो आज जो धारा पंक्ति चली जा रही है उन्हें आज के दिन ये सीख होनी चाहिए कि नहीं क्या क्या कहते हैं, सेवा क्या करते हैं, देश हित में, समाज हित में, इंसान हित में जो कार्य सिख समाज ने कर दिखाया, विश्व में भारत को आगे बढ़ने में अपनी महती भूमिका, चाहे वो अर्थ के रूप में हो, चाहे वो सेवा के रूप में हो, चाहे वो विद्या के रूप में हो, वो सिख समाज पूर्णता के साथ लगा है और आगे भी लगा रहे। आप सभी के यशस्वी जीवन की कामना के साथ मैं गुरु ग्रंथ साहिब के श्री चरणों में नमन करते हुए उन समस्त गुरुओं को मैं बार बार प्रणाम करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु ऐसे ही गुरुओं की तरह संतान को जन्म जो सबको एक सद्मार्ग दिखा के खुद अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरुद्वारा कमेटी का आभार व्यक्त करती हूँ। बोले सोनिहार, बोले सोनिहार। आज संपूर्ण भारत समाज के लिए बहुत गर्व का दिन है, क्योंकि आज ही हिंदू समाज अपने जिस पंथ पर सर्वाधिक गर्व कर सकता है सिख पंथ, उसकी औपचारिक रूप से संगठनात्मक स्थापना हुई थी। आज के ही दिन गुरु गोविंद सिंह ने सबसे पहले पंज प्यारे चुने थे और फिर उनकी माध्यम से स्वयं अपने को पवित्र करके संपूर्ण हिंदू समाज के सामने यह संदेश दिया था कि इस राष्ट्र और धर्म की स्थापना के लिए सिख पंथ में ढलना जरूरी होगा
और देश में बहुत बड़ी करोड़ों की संख्या में लोगों ने सिख धर्म को स्वीकार किया था। गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने संघर्ष की एक ऐसी परंपरा सिख समाज की आत्मा में डाली कि हम सब जानते हैं कि देश की आज़ादी की लड़ाई और देश की आज़ादी के बाद देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए सैनिकों के बलिदान, इन दोनों ही चीज़ों में सिख समाज सबसे आगे बढ़ कर के रहा है। आज के दिन चूंकि जलियांवाला कांड का ये 100वां वर्ष पूरा हो रहा है, अंग्रेज कितने क्रूर थे और कितने षड्यंत्रकारी थे, आज का दिन हमें उनकी क्रूरता की याद दिलाता है और इस बात को स्मरण कराता है कि 100 साल बीतने के बाद भी अंग्रेजों को अपनी गलती आज भी इस योग्य नहीं स्वीकार हुई कि वो माफ़ी मांग सकें। हम उस दिन के बदले के रूप में उस महान उधम सिंह को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने लंदन जा करके जनरल डायर की हत्या की थी। इसी हेतु हम सब यहाँ इकट्ठे होते हैं और अपने अतीत को याद करके गौरवान्वित महसूस करते हैं।